हेलो दोस्तों, वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का इमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम मैथ का डे 28 लेके आए हैं, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसमें हम बहुत तरह के कंसेप्ट को बताएंगे, फार्मूला भी, विदाउट फार्मूला का भी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर टू ईयर एट 4% पर एन एम इज ₹102, द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टू ईयर वुड बी। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, सिंपल सा एक ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम बोलते हैं ट्री मेथड। तो जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, रेट जैसे मान लीजिए रेट दिया हुआ है, तो रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है 4%, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 1/25। तो जितना साल के लिए पूछेगा, क्या 2 साल के लिए पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जो मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल जो होगा आपका, जो भी आपका नीचे होगा, मैंने इसका 25 का स्क्वायर कर देना 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इसे क्यूब कर देंगे, अब 625 आपका मूलधन हो गया। ठीक है, 625 आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर निकालना है कि जैसे मान लीजिए 1 साल हो गया और ये 2 साल हो गया, ठीक है। तो पहला साल में क्या होगा, 625 का, यानी कि 625 का अगर 4% निकालेंगे, यानी 625 इंटू 1/25, यानी कि 25 हो जाएगा। मैंने पहला साल में जिसको इंटरेस्ट मिलेगा 25% मिलेगा, और यहाँ भी दूसरा साल में 25, ठीक है। ये किसका, इसका है। अब क्या है कि दूसरा साल में इसका भी इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, ब्याज दर, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, या साधारण ब्याज में आपको सिर्फ जो इन प्रिंसिपल है, जो भी मूलधन, उसी का इंटरेस्ट आपको लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस है, ठीक है। तो 5 का फिर 25% यानी 1, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्री मेथड, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे बताते हैं, देखिए। तो ई वाला जो पूरा है, ऊपर वाला जो है, इसको बोलते हैं हम SI, माने साधारण ब्याज, और जो इसको बोलते हैं CI और SI का डिफरेंस। अब जब सब दोनों को CI और दोनों को अब ऐड कर देंगे, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब पूरा को बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो SI क्या हो गया, यहाँ SI आपका हो गया आपका 50 यूनिट, ठीक है, और CI आपका हो गया 1 यूनिट, और दोनों का डिफरेंस हो गया, CI और SI का डिफरेंस जो आपका 1 यूनिट हो गया, और CI आपका हो गया 51, ठीक है। तो पूछा गया है कि CI होगा कितना होगा, ठीक है। वो पूछा गया है कि SI क्या होगा, द SI मतलब, तो समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण वर्ष कितना हो गया, मैंने आप देखिए इसमें जो है आप क्या माने, प्रिंसिपल इतना माने मूलधन, लेकिन इसमें क्या CI दिया हुआ, CI दिया हुआ मतलब 51 रेशियो बराबर 102, तो 102 रेशियो 51 मैंने 51 जो है, 51 रेशियो जो है आपका 102 के बराबर दिया हुआ है CI, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 रेशियो बराबर आपका 2 यूनिट हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 2 यूनिट हो जाएगा। लेकिन आपका पूछा कि SI, तो SI कितना है, मैंने साधारण ब्याज 50 यूनिट, यानी 50 × 100, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 10% इज ₹31। किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 है, तो 31 है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछा है कि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। तो सेम इसमें क्या था, पहले जो क्वेश्चन में डिस्कस किए वो 2 साल के लिए था, अब 3 साल का था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें, 10% है, तो 10% यानी कि 1/10। आपको पहले बताया, जब भी जितना साल का रहेगा, 3 साल का, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा, मूलधन जो होगा, ये 100 का नीचे जो भी रहेगा उसका क्यूब कर देंगे, यानी कि 1000 आपका मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 1000 हो जाएगा। अब देखिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं पहले, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें भी आपको कैसे SI CI तीनों का डिफरेंस। ये बहुत ही लॉजिक मेथड है, जो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आपको फार्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको 10% लगाना है, यानी फर्स्ट साल में 10%, 1000 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, 100 का 10%, ठीक है, फिर यहाँ भी 100 का, इस 100 का 10%, फिर इस 100 का 10%, और इसका 10 का 1%, यानी कि टोटल इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए आपको पूछा गया कि SI और CI का डिफरेंस, तो SI और CI का डिफरेंस आपका ये वाला होगा, पहले बताया था, ये तो आपका पूरा ऊपर वाला जो हो गया आपका
सिंपल इंटरेस्ट होगी मैंने साधारण ब्याज, ये जो डिफरेंस होगा नीचे वाला जितना बचेगा वो आपका डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस यानी कि कितना होगा टोटल 31, तो 31 जो है वो 31 के बराबर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस दिया मैंने अंतर दिया वो आपका 31 दिया है, यानी कि 1:1 हो गया, 1:1, ठीक है। यानी आपको पूछा क्या गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल मैंने क्या माना, मूलधन माना है 1000, यानी कि 1000 × 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई कहीं कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर, इट विल बिकम 8 times ऑफ इटसेल्फ इन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में अपनी दुगुनी हो जाती है, यही राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्या प्रिंसिपल है, मैंने मूलधन है, ये अमाउंट है और ये आपका समय है, टाइम है, ठीक है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल एक है, अब क्या अमाउंट जो है यानी कि मिश्र धन जो है दुगुना हो जा रहा है, कितने साल में, तो 15 साल में, ठीक है। अब जो मूलधन है प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जाता है, 8 times हो जा रहा है, मैंने 2 का इतना, तो जितना भी टाइम्स हो जाता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 15 × 45, यानी कि 45 साल में जो होगा यह अमाउंट जो होगा यानी मिश्र धन जो होगा वो आपका राशि जो है आपका 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए कि प्रिंसिपल पी है, अब ट्वाइस हो गया, फिर ट्वाइस हो जाएगा, फिर ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, लेकिन जब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट लगता है यानी साधारण ब्याज लगता है तो आपका एडिशन काम करता है, यहाँ पर मैंने प्लस काम करता है, मैंने योग काम करता है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो 15 साल में दुगुना हो रहा है, फिर 15 साल में हो रहा है, फिर 15 साल में हो रहा है, यानी कि कितना साल लग रहा है, 15 × 45, यानी कि 15 × 45। इस तरह भी आप इसको क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2000 अमाउंट टू बी 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने समय में 2010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दर से इतना हो जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए आपको ट्रिक से बताते हैं, सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 10% की रेट से, 10% की रेट से बात करें, 10% की रेट से बात करें, जो ट्रिक मेथड की बात की है, तो 10% यानी कि 1/100, 1/10 यानी कि 2 साल का बात किया, तो प्रिंसिपल क्या है 10% की रेट से, तो प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल है ये आपका अमाउंट है, तो प्रिंसिपल 10 हो गया, अमाउंट कितना हो गया 11 हो गया, प्रिंसिपल 10 हो गया, अमाउंट 11 हो गया, यानी क्या हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 121, ठीक है। तो आप देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा 2000 और एक अमाउंट कितना इतना, यानी क्या हो जाएगा 100:121, यानी क्या हो रहा है 2 साल में आ रहा है, ये 2 साल में जब ये ट्री मेथड लगा रहे थे ये आपका आ रहा है, यानी कि 2 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आपका लॉजिक हो गया, ठीक है। अगर आप इसको सिंपली मेथड से करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला से आप फॉर्मूला के अप्लाई करते हुए जो आपका सूत्र है उसके अनुसार भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो अधिकतर स्टूडेंट वैसे ही करते हैं, लेकिन अगर आपको लॉजिक पता होगा तो आप आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सिंपल, अगर मान लीजिए फॉर्मूला बताना, ठीक है, तो CI क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 की पावर t होता है, ये आपका CI होता है, ठीक है, यानी कि साधारण ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कम इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आपको कितना हो जाएगा, अब इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए इंटरेस्ट कितना, इतना अमाउंट हो जा रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट होगा इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस होगा, और प्रिंसिपल आपको इधर ले आएंगे, यानी कि प्रिंसिपल आपका 2000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 × 100, यानी कि पावर टी, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 11 × 10 की पावर t, ठीक है। यहाँ से अब ठीक है 200 420 हो गया, तो 420 यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें, ठीक है, ये आपका ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, अमाउंट होता है, सॉरी 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 यहाँ पर अमाउंट होगा, यानी कि जो अमाउंट होगा, अमाउंट क्या होता है, CI प्लस प्रिंसिपल, तो अमाउंट जो होता है आपका ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस रेट, इस तरह आपका अमाउंट का फॉर्मूला, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 121 या 2 से काटेंगे, यानी कि 121/100, यानी कि 11/10 का स्क्वायर, यानी कि आपका टी जो होगा 2 साल हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली लॉजिक है, ये जो आपका फॉर्मूला है कि
मिस डन यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर बाई 100 की पावर टी, इस तरह आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि आप उसमें कैलकुलेशन जो होता है बहुत ही लेंदी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ट्रिक पता होगा तो आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं और आपका टाइम सेव होगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर इज रुपीज 2400 एंड इन 4 ईयर्स रुपीज 2520, द इंटरेस्ट रेट पर एनम। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है तो प्रति वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कि पहला अमाउंट जो है, यानी कि पहला जो मिश्रधन है, पहले जो भी था वो 2400 था, अब क्या हो गया 2520 हो गया, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस हो गया, 120 का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करना होगा। आपको बताया था कि जो भी आपका इंटरेस्ट हो रहा है डिवाइड में जो भी प्रिंसिपल है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस एक साल है इसलिए एक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 दस से अब 12 दूना 24, यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किस लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। हर एक चैप्टर में 10 से 12 क्वेश्चन ही जो रहते हैं जो अलग टाइप के रहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इस तरह आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको इस तरह मिलेगा कितने साल का डिफरेंस दिया हो तो आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1000 अमाउंट टू बी 1331 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एंड कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर की दर से 1331 हो जाएगी जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, ठीक है। तो आपको ईयर निकालना है, तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाफ ईयरली की बात करते हैं, जब भी हाफ ईयरली की बात करेंगे, हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, मैंने कि हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक। तो जब भी अर्धवार्षिक की बात करें, यानी कि जो रेट होगा, रेट जो होगा आपका रेट आधा हो जाता है, यानी कि रेट जो होगा 20% है यानी कि 10% हो जाएगा, और टाइम जो है आपका दुगना हो जाएगा, ठीक है। टाइम जो होगा दुगना हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, टाइम जो होगा आपका 2t हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए अमाउंट जो है इतना अमाउंट हो गया, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 1000 और 1 प्लस आर यानी कि 10/100 की पावर 2t, अब पहले t था अब 2t हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली लगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, 1331/1000 इक्वल टू 1, यहाँ से करेंगे 11/10 की पावर 2t, ठीक है। तो उसकी तरह 11/10 की क्यूब करेंगे तो यह इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि 2t इक्वल टू 3, यानी कि t इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5 साल लगेगा, कितना लगेगा 1.5 साल, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 3% पर एनम इज रुपीज 101.5, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम विल बी। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 101.50 रुपया है तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 2 वर्षों में कितना है, तो 2 वर्षों के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर निकालेंगे। तो आपको 2 वर्ष के लिए जब भी निकालना है, यानी 2 वर्ष के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप जो लगाते हैं नेट डिस्काउंट वाला फॉर्मूला उसको लगा सकते हैं, यानी कि 3 + 3 × 3/100, तो यहाँ से आपका 6.09% आ जाएगा। वही अगर आपको साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज की बात करें 2 साल के लिए, तो आपका दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 + 3 यानी कि 6%। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा तो आप इसको निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या। तो देखिए आप जब भी जानते हैं, देखिए जब भी आपको फॉर्मूला होता है क्या होता है SI, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है, जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो आप इस तरह दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लगता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि साधारण ब्याज पे हमेशा आपको याद रखना है कि जो इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा हर साल सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमेशा चेंज होते रहता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट रहता है, ठीक है।
तो देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है कि आपको निकालना क्या है, SI दिया हुआ है, CI दिया हुआ है, SI निकालना है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, SI आपको निकालना है, SI इक्वल टू, तो CI का जो मान है डिवाइडेड बाय जो CI का मान दिया हुआ है, जो CI से जो आया उससे उसको डिवाइड कर दीजिए इंटू 6%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो SI जो आएगा आपका 100 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप पूछिएगा ये कैसे हुआ, SI इक्वल टू CI कैसे हुआ, तो देखिए SI, ठीक है, SI इक्वल टू क्या, कैसे सी आया, देखिए SI इक्वल टू क्या होता है, PRT इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से SI आप निकाल सकते हैं, उसी तरह CI भी निकाल सकते हैं, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका इस तरह, आपको याद रखना कि जब भी आपको इस तरह पूछा जाता है कि SI आपको निकालना है, तो SI जब भी निकालना है तो आपको क्या याद रखना है कि जो भी आपका CI दिया हुआ है, मैंने CI इंटू रेट ऑफ जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर आपको CI निकालना है तो CI निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी आपका अगर आपको SI निकालना है, मैंने साधारण ब्याज निकालना है, तो जो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसको हमको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला साधारण ब्याज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय जो भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी हमको रेट ऑफ दर निकला इक्विवेलेंट रेट मतलब कि ठीक है प्रभावी दर जो भी निकला तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा आपको क्वेश्चन आसानी से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट रुपीज 270.4 इन 2 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है, जो ट्री मेथड बताए उससे आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, अब क्या है 4% रेट, यानी कि 4% यानी कि 125 1/25, 4% मतलब क्या 1/25, यानी कि पहले प्रिंसिपल 25 था अब 26 हो गया, 25 था 26 हो गया, 2 साल के लिए लगाना है, सिंपल मेथड है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 676 दिया, क्या है ये आपका अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया यानी क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया यानी कि आपका ये जो रेशियो दिया आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो निकाल सकते हैं, आपको पूछा क्या है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मैंने इतना रेशियो निकालना है, तो इतना रेशियो बराबर इतना है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, एक रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 270.40/676, अगर आपको 625 निकालना है यानी कि इस रेशियो को निकालना है तो 625 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक रेशियो बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, एक रेशियो बराबर आपका 0.4 आएगा, टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 250 आ जाएगा, यानी कि 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% फॉर पर एनम फॉर सेकेंड ईयर, एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹10,000 फॉर 3 ईयर। तो सेम क्वेश्चन है, आपको ही आपको ट्री मेथड लगाना है, देखिए कितना आसान होगा, अगर आप इसको फॉर्मूला से करेंगे तो आपको बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन आप अगर इस ट्री मेथड के अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से, अगर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो बहुत ही अच्छा है कि इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले 4% है, 4% यानी कि 1/25, 4% मतलब कि 1/25, तो 1/25 यानी कि 25 से 26 हो गया, ठीक है। अब 5% मतलब कि 1/20 यानी कि 20 से 21 हो गया, ठीक है। अब 60% ये 6%, 6% यानी क्या 6/100 यानी कि 3/50 यानी कि 50 से 53 हो गया, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आएगा, और इधर से आपका 28,938 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस आपको करेंगे तो 3938 आएगा, ठीक है। देखो देखिए आप इस क्वेश्चन में दिया है क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है यानी कि ये जो रेशियो है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि 25,000 जो है, 25,000 जो है किसके बराबर है, 10,000 के बराबर, यानी कि अगर 25,000, ठीक है, देखिए 25,000 अगर 10,000 के बराबर है, 10,000 के बराबर है, ठीक है, तो एक रेशियो बराबर आपका 0.4 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस यानी कि इतना, इसको अगर 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, आप लॉजिक को समझिए और क्वेश्चन को आसानी से
हल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट पर एनम विल रुपीज 32,000 यील्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,044 इन 9 मंथ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड क्वार्टरली। अब देखिए क्वार्टरली की बात कर रहा है, क्या हो रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज के किस वार्षिक दर से 32,000 का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना है 32,000 और सीआई आपका इतना दिया हुआ, तो आपके अमाउंट निकाल सकते हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 32,000 प्लस 5,044, दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट जो आएगा यानी मिस रिजन जो आएगा 37,044 आ जाएगा। ठीक है, और टाइम क्या दिया है, टाइम 9 महीना दिया है, और ये क्या बोला है 9 महीना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं एल ए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम जो है आपका 9 मंथ दिया हुआ है, 9 महीना। ठीक है, 9 महीना दिया हुआ, तो इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंड इंटरेस्टली, मतलब हाफ क्वार्टरली, मैंने ब्याज तिमाही संयोजित होता है, यानी कि जब टाइम होगा, टाइम जो होगा तिमाही, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, यानी कि क्वार्टरली प्लग, यानी कि टाइम जो होगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा, और रेट जो होगा, रेट आपका क्या हो जाएगा आर बटे चार हो जाएगा, रेट जो होगा आर बटा सॉरी रेट जो होगा आपका क्वार्टरली बोला गया, यानी कि रेट जो होगा आपका न्यू रेट जो होगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, न्यू रेट जो होगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, और टाइम जो है आपका रेट जो होगा आर बाई फोर हो जाएगा सॉरी। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें न्यू रेट क्या होगा। ठीक है, एट व्हाट रेट पर एनम, अच्छा ठीक है, तो आर जो होगा आपका न्यू रेट है, न्यू रेट क्या हो जाएगा आर बटे 4%। ठीक है, और टाइम जो होगा 9/12 इंटू 4 करना, क्योंकि जब भी आपको क्वार्टरली हाफ ईयरली सेमी ईयरली जो भी होता है तो क्या करते हैं टाइम जो होता है वो उससे मल्टीप्लाई होता है, तो टाइम क्या हो गया कि टाइम जो है क्या है, अब टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा हाफ ईयरली हो जाएगा, मतलब टाइम क्या है 4 गुना यानी कि 1/4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टाइम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 साल, यानी कि 3 बार में, यानी कि 3 और यहाँ 4, यानी कि 3 साल हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4R। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4R, एक मिनट, रेट जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, जब भी आपका इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो रेट जो होता है यानी कि रेट जो होगा आपका R बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि पहले मैंने एट व्हाट रेट पर ना मुझे इतना कि मैंने नया जो पुराना रेट था, पुराना रेट क्या था। ठीक है, तो पुराना रेट क्या था वही आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे करना है, देखिए तो प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, पहले प्रिंसिपल कितना था 32,000, अब क्या हो गया इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो गया यानी कि इतना हो गया। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले 3 साल का, यानी कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का निकले तो आपको क्या करना है 3 साल का यानी कि क्यूब रूट लगा देंगे, तो क्यूब रूट जब इसको लगाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा इधर से और इसका 21 आ जाएगा, मतलब एक का डिफरेंस आया, कितना का, एक का डिफरेंस आया। ठीक है, एक साल में एक का डिफरेंस आया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 1/20, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपको पहले बताया था आई बाई पी इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, डिफरेंस 1/20 यानी कि आपका 5% हो गया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, पहले था 5, अब क्या हो गया, अब पूछा गया कि ठीक है तो पहले न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आया पूछा क्या गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जो इससे इतना हो गया, यानी कि 5/20 यानी कि जो रेट पहले था वही निकालना था, यानी कि 420 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू बी रुपीज 4,840 इन 2 ईयर एट रुपीज 5,324 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ अमाउंट जो है 2 साल में इतना था, 3 साल में इतना हो जा रहा है, तो ब्याज की प्रति वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पहले प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट ए वन हो गया, ए अमाउंट ए टू हो गया, एकदम सिंपल मेथड बताएंगे। अब प्रिंसिपल पी है और दूसरा साल में ये हो जा रहा है यानी कि 4,840 और 5,324। ठीक है, तो ये डिफरेंस देखिए 2 साल में हो रहा है, तो ये भी 2 साल में होगा, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, यानी कि 2 साल ले तो 2 साल लगेगा। ठीक है, अब देखिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका आएगा, दोनों का डिफरेंस कीजिए यानी कि 5,032 और
40 डिवाइडेड बटे 4840 इंटू 100, तो यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। तो इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इन एनुअली। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या ट्री मेथड जो लगाते थे, तो क्या लगाते थे, पूरा साल के लिए लगाते। अब देखिए बहुत ही मजा आएगा जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्री मेथड लगाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10% को क्या बोलते हैं, 1/10। ठीक है, तो ये 2 साल के लिए मानते थे, क्या टाइम जो हम 2 साल के लिए मान लेते फिर उसको हम 1.5 साल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट साल और दूसरा साल, तो फर्स्ट साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 10% है, यानी कि 10% यानी कि अब 10% है, तो 10% यानी कि देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है प्रिंसिपल, ऑलरेडी आपका 6000 दिया हुआ है, यानी कि 6000 का अगर 10% करेंगे यानी कि 600 हो जाएगा, तो 600 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी 600 हो जाएगा। अब दूसरा साल में इसका इंटरेस्ट आएगा यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है कि इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको जो है ये तो 1 साल पूरा लगेगा यानी कि 600 तो आपका पूरा होगा। अब इसको आधा करना है यानी कि आधा साल के लिए करना है, यानी दोनों को ऐड करना है, 660 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 330। अब इसको जोड़ दीजिए 330 और 600 यानी कि 039 यानी कि ₹930 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी विद अ गिवन रेट ऑफ फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर आर ₹900 and ₹954 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ मनी इज, किसी निश्चित धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 900 और 954 है, तो धनराशि का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो SI जो होगा, मैंने साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज जो होगा 1 साल के लिए आपको क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए 900 दिया यानी कि 1 साल के लिए आपका हो जाएगा ₹450 1 साल के लिए हो जाएगा। अगर CI की बात करें फॉर 2 ईयर, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 साल के लिए बात करें तो आपका 954 दिया हुआ है। ठीक है, 954 दिया हुआ, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा CI और SI का, मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का ब्याज, यानी कि ₹54 हो जाएगा, 954 - 900 यानी ₹54 हो गया। ठीक है, तब क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस हो गया, दोनों का डिफरेंस जो हो गया 54 बटा जो प्रिंसिपल था यानी कि 450 इंटू 100 यानी कि आपका 12% यहाँ से आ जाएगा, 12% आपका आ जाएगा, 12% आ गया तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं सिंपली फॉर्मूला से। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो होगा होगा आपका 450 इंटू 12 इंटू 100, जो भी 12% है उससे आपको इंटरेस्ट निकाल देंगे, यानी कि सिंपली SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका प्रिंसिपल जो आएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए, अ सम ऑफ ₹13,360 वॉज बोरोड एट 8.34% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 2 ईयर्स इन 2 इक्वेशन एनुअल इंस्टॉलमेंट, व्हाट वॉज द अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट। ₹13,360 मैंने 13,360 की धनराशि 8.34% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार की गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप उसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इस जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 7 * 28 = 832 = 333 यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/80, इसको हम लिख सकते हैं 7/80। इसीलिए आपको पहले बताया था कि जब भी आपको कोई मेथड मिले, मतलब कि रेशियो को मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 7/80 हो गया यानी कि 87/80, ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया और ये आपका प्रिंसिपल हो गया यानी कि मूलधन हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट साल की बात करें तो पहले कितना था 80 था, अब कितना हो गया 87। ठीक है,
अब दूसरा साल की बात करें तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि बार कर देंगे, मैंने इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो आया ये कैसे आया, इसको अब 87 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी हमको 87 से मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना होगा, इसमें हमको जो भी इंस्टॉलमेंट है उसको बराबर करना पड़ता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है बराबर दिया गया है। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और आपको इंक्रीज करना है, ये आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर एक इस तरह लिखेंगे 80 से 87 हो गया, फिर उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे, अब इसको स्क्वायर किए मतलब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपका देखिए अब ये क्या हो गया, इतना हो गया। अब टोटल प्रिंसिपल की बात करें, यानी कि टोटल प्रिंसिपल मतलब टोटल मूलधन जो है आपका कितना हो जाएगा, पहले कितना था ये वाला था कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला आएगा। ठीक, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा इतना प्लस 6400, तो आपका टोटल कितना आ गया 13360। ठीक है, 13360 दिया हुआ है, यानी कि 13360 दिया हुआ है और 13360 जो है इसके बराबर है, यानी कि एक रेशियो बराबर, एक यूनिट बराबर एक रुपया हो गया। ये जो आपका टोटल प्रिंसिपल है, टोटल प्रिंसिपल जो है वही आपका दिया हुआ है। ठीक है, टोटल सम जो है दिया हुआ है, यानी कि ये इतना उधार लिया था, ये इतना उधार लिया था, तो क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो गया एक रुपीज़, एक यूनिट बराबर हो गया एक रुपीज़, एक यूनिट बराबर एक रुपीज़ हो गया। पूछा क्या गया था, अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट, तो अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट पूछा, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7569 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम ऑफ रुपीज 800 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली बिकम्स 9926.10। कितने वर्षों में 800 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित किया। तो आपको देखना कि अर्धवार्षिक, ठीक है, तो अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, तो इफेक्टिव रेट जो होगा हाफ ईयरली की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 10 से अब हाफ हो जाएगा, यानी 10/2, यानी कि 5% हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इसको फॉर्मूला से यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अमाउंट था आपका इतना हो गया, आपको पहले ही बताया, ठीक है, और 801 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 हो गया, तो 5/100 अब टाइम जो हो गया 2n हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9610/800, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21/10, 21/20, ठीक है, 21/20 हो जाएगा, तो 21/20 की पावर 2n। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो होगा 0 से 0, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है 96261 ये क्या, किसका क्यूब है, 21 का, अरे क्या 20 का क्यूब है, यानी कि 21/20 का 2n, यानी n इक्वल टू 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 साल, 1.5 साल आपका राइट आंसर, ये 3/2 यानी कि 1.5 साल, यानी कि ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड में क्वेश्चन का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 एट 7% पर एनम फॉर सर्टेन टाइम इज रुपीज 4,347, द टाइम इज 30,000 रुपये की राशि 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो वो समय क्या हुआ। ठीक है, तो सिंपली लॉजिक आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10/10 की पावर t। अब देखिए अमाउंट है, यानी कि जो पहले इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल था, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 34,337, और प्रिंसिपल को आप इधर ले आएंगे, यानी कि 30,000 को इधर ले आएंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160/100 आएगा कि पावर टी आएगा, तो यहाँ से आप इसको जो होगा 107/100 की पावर 3 हो जाएगा, और 107/100 की पावर t, तो इसको आप टी से कोफिशियंट बराबर कर देंगे, यानी 2 साल होगा, ये 2 का क्यूब होता है, तो ये 2 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 10,000 आफ्टर 2 ईयर कंपाउंड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 10% पर एनम फर्स्ट ईयर एंड 12% पर एनम ड्यूरिंग सेकेंड टाइम,
विल द अमाउंट। अब देखिए, जब भी आपको इस तरह अमाउंट निकालना पड़ेगा तो आपको ट्री मेथड बहुत ही लाभदायक करेगा। यानी 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, यानी 10% यानी कि पहले प्रिंसिपल और अमाउंट 10% यानी कि 10% यानी कि 10/10 यानी कि 10 से 11 होगी। अब दूसरा बार जो लग रहा है वो 12% लग रहा है, यानी कि 12% यानी कि 12 यानी कि 3/25 12% की बात करें यानी कि 12/100 यानी कि 3/25 यानी कि 25 से 28 हो गया, 25 से 28 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि प्रिंसिपल जो है 10,000 दिया, यानी कि ढाई इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो आपका 10,000 के बराबर है, तो एक रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा 40 के बराबर। तो आपको पूछा गया कि अमाउंट कितना होगा, 308 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू बी थ्राइस इट सेल्फ इन 3 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल बी 9 टाइम इट सेल्फ। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन, इससे पहले बताया जो प्रिंसिपल था, अमाउंट था और टाइम यानी समय। तो प्रिंसिपल पहले क्या था, पी मंथ एक सा, और जो आपके थ्राइस हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, यानी 3 हो गया, मैंने 3 पावर 1 कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा देखिए, 1 जो है दूसरा प्रिंसिपल है, अब क्या हुआ 3 का 9 टाइम्स हो गया, यानी कि 9 टाइम्स हो गया कितने दिन में, कितने साल में, तो ये आपको पूछा है। तो आपको क्या करना है, जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 साल आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक लॉजिक होता है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो जो भी टाइम से जितना साल में हो रहा है, क्या करें, जो भी टाइम से, जैसे मान लीजिए 3 टाइम्स हो गया तो एक कम कर दीजिए, ट्वाइस हो गया। ठीक है, और क्या है 3 साल में, यानी 3 लिख दिए। अब पूछा गया है कि कितने साल में हो जाएगा, तो कितने साल में हो जाएगा, कितना टाइम्स पूछा, 9, यानी कि 9 में 1 माइनस कर देंगे 8 हो जाएगा, और कितने टाइम्स के लिए, कितने टाइम के लिए, तो यहाँ पर टाइम निकल जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है। इस तरह भी आप क्वेश्चन को ठीक है, तो यही आपका लॉजिक अच्छा रहेगा, इसको छोड़िए। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो पहले बताया कि टाइम से, यानी 3 पावर 1 3 टाइम 3 साल में हो रहा है, 9 टाइम्स तो कितने साल में होगा, जो भी पावर होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 6 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब क्या है कि ए मैन इन्वेस्ट 2,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो 5% की बात करें तो प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया 5%, यानी कि 20/1/20 यानी कि 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। ठीक है, 3 साल के लिए, यानी कि यह हो गया आपका 8,000 और ये आपका हो गया 3100। तो जो प्रिंसिपल था, यानी कि 8,000 रेशियो बराबर आपका 2,000 के बराबर हो गया, यानी 1 यूनिट बराबर आपका 1/4 हो गया। तो आपको पूछा अमाउंट कितना होगा, इसको अगर वन बाई फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न 540 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, इफ इट अर्न एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 376.2 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट इन रुपीज। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 540 साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं, यदि यही राशि 2 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 376.2 चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपल देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मैंने SI जो होता है, मैंने साधारण ब्याज जो होता है आपका P × R × T/100 हो गया। ठीक है, तो 3 साल के लिए, तो यहाँ से PR निकल जाएगा, PR इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 18,000 आ जाएगा, PR जो होगा 18,000 हो जाएगा। अब देखिए CI का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1+Rate/100^2 साल के लिए -1। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो CI दिया हुआ कितना, इतना दिया हुआ है CI, अब प्रिंसिपल, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, पी बाहर नहीं लेंगे तो या इसको कट करेंगे तो यानी कि R² = 10,000 + 2R/100। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिए R आएगा R², यानी कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, PR का वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए इसको करेंगे PR से वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसी में कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, P² / 10,000 + 2 PR /
100, यहाँ पर पी आर का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर पी आर का वैल्यू पुट देंगे, यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर पी आर का वैल्यू पुट कर देंगे 18,000, तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा 9%। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। जब 9% आ गया तो पूछा गया है कि पी आर कितना है, तो पी आर जो होगा आपका कितना है, 18,000 है, तो 18,000 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ, अगर आप अभी तक टेलीग्राम या चैनल से ग्रुप से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वहाँ पर आप क्लास का PDF प्लस टेस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ जाएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। इसी तरह मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट कर दिया, अब क्या करूँगा, अब इसके बाद ज्योमेट्री का 40 क्वेश्चन लाऊंगा और मेंसुरेशन का 40 क्वेश्चन लाऊंगा, उसके बाद जो भी टॉपिक बचा उसका 1-2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिक्स होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।